जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम वकार रफीक है और ये हमारा जो जून का बैच है दराज का, इस ट्रेनिंग का ये स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम दराज की बेसिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह हम इन डेप्थ से आगे करेंगे, उसमें जितना भी टाइम लगे, जितना लंबी वीडियोज हों छोटी हों और जैसे भी उसका सीक्वेंस बने, आपने बस मेरे साथ रहना है, थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त करना है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस टाइम का, इस पैसे का जो आपने लगाया है, वो सही होगा इंशाल्लाह। जो बाद में आने वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये लाइव चल रहे हैं, इसके अंदर जितने भी लोग हैं वो लाइव इसको ले रहे हैं, इस रूम के ऊपर है, लेकिन जो बाद में लोग देख रहे हैं वो फिर इंशाल्लाह इस चीज़ को ज़रा अपने एंड पे मैनेज कर लीजिएगा। उनके लिए जरा क्वेश्चन आंसर का साइंस जो सेशन है वो मुश्किल होगा, वो फिर मैं इंशाल्लाह बता दूंगा बाद में कि आप लोग किस तरह इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी। एक मेरा सवाल है आप लोगों से कि हम यहाँ पर हैं क्या, व्हाई वी आर डूइंग दिस, हम क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को। देखें, एक एक तो ये बहुत नॉर्मल सा सवाल है कि हम क्यों कर रहे हैं। एक तो बहुत बेसिक सवाल में आता है कि यार ऑब्वियसली हमें कुछ स्किल आनी चाहिए, और यानी कि स्किल से मुराद के हमें कुछ नॉलेज होना चाहिए, कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जो कि हमें स्टैंड आउट करें ना, हम मार्केट के अंदर हमें वो दूसरे लोगों से ज़रा स्टैंड आउट कर दें कि हम क्या क्या हमारी एक वर्थ है, क्या हम इटसेल्फ हम क्या चीज़ है ना। तो वो तो एक तो चीज ये है। दूसरा ये कि इस चीज को करने का कुछ लोगों का मकसद ये होता है कि वो लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, वो कहते हैं कि मतलब हम कर लेंगे कुछ ना कुछ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फिर वो कहते हैं कि नहीं, उन्हें डंडा दिया जाता है तो वो घर वाले फोर्स कर रहे होते हैं या सोसाइटी का प्रेशर होता है कि यार करना कुछ। लेकिन जो लोग खुद कर रहे होते हैं ना, जिनका पैशन होता है, वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडर होते हैं मेरे हिसाब से, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप लोगों के पास सिर्फ 10 सेकेंड हैं, अपने अपना चैट पे खोलिए और मुझे बताइए कि आप लोग क्यों कर रहे हैं ये काम, यानी कि यहाँ पर आप क्यों हैं अभी। अगर यहाँ पर हैं तो जरा काइंडली, आपके पास सिर्फ 10 10 सेकेंड हैं, जल्दी से टाइप करें जितना भी आप, जो ये क्यों आप इस ट्रेनिंग के अंदर क्यों आए हैं, क्या क्या आपको लग रहा था, क्या आप कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोस्पेक्टिव है वो जरा काइंडली शेयर कर लें जल्दी से। अच्छा, ये किसी बंदे ने कहा है कि एटलीस्ट टू गेट इंडिपेंडेंट, सही है, लर्निंग भी अच्छी चीज़ है। किचन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सही है, ऑनलाइन बिजनेस बेहतरीन, आई वुड लाइक टू टू लर्न ई कॉमर्स एंड दराज फॉर लर्निंग एंड कमाई पर्सनल इंटरेस्ट फॉर सॉल्विंग किचन प्रॉब्लम, एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए, एसेट बिल्डिंग, पैसे का चक्कर है बाबू भैया, बीइंग अ स्टूडेंट इवन 18 ईयर ओल्ड अपने एक्सपेंडिचर खुद बेयर कर रहे हैं, बेहतरीन है माशाल्लाह। ये बहुत अच्छी बात की है इस भाई ने, इसका नाम जो भी है, इसका नाम लिखा जा रहा है यहाँ पर ट्रेंडिंग नाम के नाम से, और ये अच्छी चीज़ है, ये इंसान को करना चाहिए। ये बहुत, मैं कहता हूँ, बहुत आउट क्लास चीज़ है कि इंसान को जितनी जल्दी हो सके ना इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंशाल्लाह जरूर। सही है, ऐसा मोस्टली आंसर ऐसे ही है कि उन्हें इंडिपेंडेंट बनना है, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं कि इंटरेस्टिंग जी सर, ऐसे ही है, मुजम्मिल सर बताया था मुझे, बिलाल ने थोड़ा सा परसों का अल्बन, हमारी एक मीटिंग चल रही थी उसके दौरान आपका जिक्र हुआ था, तो बेहतरीन अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। मैं यही बात कर रहा था कि हमारे यहाँ पर जितने भी ये जो लोग हैं इस बैच के अंदर, वो मोस्टली यानी कि वो लो एज बच्चे ही हैं, टीन एज हैं, थोड़ा सा ऊपर है उससे, अराउंड कोई 15 से 20 25 का गैप है, ये बस ये वाला सर्कल है, 15 से 25 साल के बीच बीच के लोग हैं,
कुछ एक्सेप्शन आ चुके हैं लेकिन मेजोरिटी यही है। अच्छा, जो मैंने पहली लाइन यहाँ पर लिखी हुई है वो यही कि अल्टीमेटली, देखिए मेरी एक कोटेशन है कि इफ यू आर डूइंग समथिंग, आवर समहाउ आवर गोल इज मनी। अगर हम कुछ कर रहे हैं ना तो किसी ना किसी दर्जे में हमारा गोल पैसा जरूर है। दुनिया के अंदर अगर हम कुछ कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमारा गोल पैसे कमाना जरूर है। ऑब्वियसली किसी का सब तो नहीं ना, फिर अगर किसी को धड़ाधड़ पैसे मिल रहे हो घर बैठे तो उसे क्या जरूरत है कि वो जाए और ये मेहनत करे और आपको मेरी सुने, मैं आपकी सुने, टाइम लगाए, पैसे लगाए, सारा कुछ। लेकिन पैसा शुड नॉट बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। हमारा जो रुपया है ना, जो रोकड़ा है, वो पहली प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। लर्निंग हमेशा इंसान को फॉलो करना चाहिए कि पहले लर्निंग, फिर उसके बाद पैसा जो है वो तो फॉलो करता है। वो मेरे एक बड़े जिगरी यार थे, वो फरमाया करते थे कि भाई आप अगर कुछ अच्छा करते हो ना और कुछ स्टैंड आउट करते हो अपने आप को, तो पैसा तो आपको झल मार के फॉलो करेगा। तो वो स्टैंड आउट यही चीज है कि आप कुछ डिफरेंट करें। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कि हमारे में से 99% या 90% लोग कहते हैं कि हमने बस पैसे कमाने हैं। हमें ये नहीं पता होता क्यों कमाने हैं, किस लिए कमाने हैं और कैसे कमाने हैं। बेसिकली उन्हें बस होता है कि यार पैसे कमाने हैं, वो पता नहीं होता क्यों कैसे और उसके आगे वजह क्या है, वो नहीं उन्हें पता। वो कैसे उसका पाथ क्या होगा वो बात भी नहीं पता, लेकिन बस पैसा कमाना है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, माशाल्लाह बड़े दीनदार हैं, वो हमारे साथ होते हैं, अभी इस मीटिंग के अंदर भी हैं। उनका नाम है काजी बिलाल साहब। इन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी के मेट भी हैं, इन्होंने ज्वाइन किया था। बेसिकली इनकी डिफरेंट बड़ी स्टोरी है, मैं शॉर्ट सुनाता हूँ कि ये उस टाइम पे कुछ काफी सारी चीजें कर रहे थे पिछले साल, गालबन अभी इनको 8-10 महीने हो गए हैं हमारे साथ। तो तब ये कुछ काफी सारी चीजें कर रहे थे, तो मैंने कहा आप ये दराज शुरू करें, इंशाल्लाह आसानी का मामला अल्लाह तआला फरमाएंगे। तो खैर काफी कन्वेंस वगैरह किया तो ये हो गए कन्वेंस। तो फिर ये हुआ कि इन्होंने सीखना शुरू कर दिया। अब इनकी एक मुझे बड़ी मजेदार बात लगी, इन्होंने ना कभी पैसों की बात नहीं की। इन्होंने नीयत होती है ना हर इंसान की, अल्लाह तआला ये एक बहुत अच्छी चीज है कि उसमें मुझे वो याद नहीं आ रही, गालबन आप सल्लम की हदीस का मफहूम है कि नहीं, आई गेस कुरान की आयत है कि जो अमाल का धर्म बना रहा है वो नियतों के ऊपर ही है। तो हमारी नियत अल्लाह ताला इसमें कोई गलती कोताही माफ फरमाए, जो भी मैंने कहा एक अच्छी बात है, हम ये कह लेते हैं कि अच्छी बात में कोटेशन ये है कि जो हमारे अमाल होते हैं ना उनका दारो मदार जो हमारी नियत होती है उसी के ऊपर बेसिकली बेस्ड होता सब कुछ। तो बिलाल की जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये कि बिलाल ने कभी पैसों के लिए काम नहीं किया। इसने हमेशा अभी इवन अभी भी अभी कुछ मतलब साल कह लें आप, साल तो नहीं हो, खैर थोड़ा कम ही है, साल होने वाला है, फिर भी अभी भी ये कहता है कि अगर कोई मिसाल के तौर पर क्रिएटर बिजनेस कुछ पैसे लगाने हैं कुछ भी करना है तो ये अभी भी कहता है कि आप मुझे पैसे ना दें, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर दें। आप कोई भी मुश्किल वक्त आता है तो इसकी ये थॉट आती है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं कमा रहे। हाँ, वो उन्हें भी पता होना चाहिए कि वो किसी सही बंदे के सामने कह रहे होंगे, मिसाल के तौर पर किसी सही बंदे के सामने कह रहे होंगे मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर आप किसी मेरे जैसे 2 नंबर के सामने कहेंगे तो वो कहेगा पुत्र लगा रहो फ्री से, फिर फ्री में सारी उम्र लगे रहेंगे हमको। लेकिन अगर आप किसी सही बंदे के सामने हैं और आपको पता है अगला बंदा भी ठीक है, आप भी ठीक है, तो आपकी नीयत ना पहले लर्निंग होनी चाहिए। यकीन करें पैसा आता है, बहुत झग मार के पैसा आ जाएगा, लेकिन तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी नीयत नहीं ठीक होगी और आपके पास कोई स्किल नहीं होगी। आप देखें ये बहुत गलत बड़ी बात है इस मार्केट के अंदर कि हम लोग सोच रहे होते हैं कि यार हमें काम आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें काम नहीं आता। और लोग कहते हैं कि बस उन्होंने वीडियो देख ली है, अब हमें बहुत काम आता है, बहुत काम आता है, हमारे से बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं है। नहीं, माजत के साथ नहीं है, आप जिस बंदे ने एक जिंदगी का अरसा लगाया हो ना वो भी एक्सपर्ट नहीं कहता। जिससे बेसिकली एक और बहुत हल्की सी मिसाल है कि जिसे काम आता है ना वो कभी नहीं प्रटेंड करता कि उसे कुछ आता है, वो यही कहता रहता है कि यार बस मुझे तो कुछ नहीं आता, गुजारे के लायक कर लेते हैं, ये बस वो टालम टोल करता रहता है। लेकिन जिसे नहीं आता वो चीखे मार रहा होता है कि यार मैं बड़ी बला चीज हूँ, मुझे ट्राई तो करके देखो, ऐसा सिस्टम है। खैर मूविंग ऑन, जो हमारा आउटलाइन थी उसके ऊपर। अच्छा, एक ना बहुत बड़ा माजद के साथ गैप है हमारे इस माशरे के अंदर, वो ये कि लोग ना बिजनेस को और दीन को ना मुखालिफ ले आते हैं, एक दूसरे के सिमत में ले आते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं और ये
ऐसी चीजें हैं कि यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे का, लेकिन ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं कहता हूँ इतनी बड़ी गलत फहमी है ये कि इसका ना अंदाजा करना मेरी अकल के मुताबिक थोड़ा ही मुमकिन। वही जो पहला पॉइंट मेरा है कि लोग कहते हैं कि ये दोनों चीजें डिफरेंट है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलत फहमी है मेरे भाई, ये डिफरेंट नहीं है। देखो मैं आगे वही बात करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब भी कुरान पाक के अंदर फरमाया है ना कि तुम रिजक कमाओ, तुम रोजी कमाओ अपने, उसका 99% 100% आप ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया कि आप तजारत करें। तजारत मतलब बिजनेस करें आप। तो मैं मुफ्ती तारक मसूद साहब का बयान सुन रहा था, उनका एक बिजनेस के ऊपर बयान है, सुनिएगा। मैं तो कहता हूँ यूट्यूब के ऊपर आप लिखेंगे तो आ जाएगा, वो इतना जबरदस्त बयान है, ये 1-1.5 घंटे का बयान है उनका सारा बिजनेस के ऊपर कि वो किस तरह अल्लाह ताला ने वो हदीस के रेफरेंस, आप कुरान मजीद के रेफरेंस, सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे डिटेल में बताई कि अल्लाह ताला ने जब भी पैसे कमाने की बात किया तो अल्लाह ताला ने कहा तजारत कर। आप सल्लम की हदीस का मफहूम है गालबन के 9 हिस्से तजारत के अंदर है और 1 हिस्सा यानी कि हमारे जॉब के अंदर है। यार ये आप ये ना करें, जो ट्रेंडिंग नाउ भाई है ना, मारी क्या नाम है आपका, ये सर्कल ना मारे काइंडली, आप ये स्क्रीन पे आप कुछ चला रहे हैं ये ना चलाएं। अच्छा ठीक है, तो यार ये रिमूव कर दें, आपका क्या नाम है, ट्रेंडिंग नाउ, ये जो आप ड्रॉ कर रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, काइंडली ये ना करें और ये बंद भी कर दें, ये खत्म करें, यहाँ से रेज कर दें। बहुत शुक्रिया आपका भाई। इसमें यह है कि एक और लड़कों के लिए स्पेशली, आई गेस यहाँ पर लड़के ही हैं, कोई फीमेल तो है नहीं, शायद से कोई है तो मुझे नहीं पता अभी। एक ना बहुत बड़ा अलमिया है वो हमारे माशरे का, वो कहते हैं कि यार मौलवी बनोगे तो भूखे मर जाओगे, तो क्या होगा कुछ सब कुछ। आप में से मोस्टली लोग तो मुझे जानते ही हैं कि यकीन करें मैं अभी भी बहुत गुनाहगार बन रहा हूँ, लेकिन इसमें यह है कि यकीन करें जब मैं थोड़ा सा अल्लाह ताला की तरफ आया हूँ ना, अल्लाह के रास्ते की तरफ आया, तो मुझे इतना अल्लाह ताला ने नवाजा है कि मैं बता नहीं सकता। और यकीन करें कि जब जब इंसान एक गुनाह को छोड़ के नेकी की तरफ आता है तो अल्लाह ताला बड़ी आसानी का मामला फरमाता है, बहुत आसानी का मामला फरमाता है। तो अलहमदुल्ला आज मेरी खुद की ये एक टाइम में आपको मिसाल देता हूँ, 2018 के अंदर गालबन मैंने फूड पांडा के अंदर अप्लाई किया था एज अ राइटर। उन दिनों में मेरा कुछ मामला ऐसे चल रहे थे कि मुझे इतने मामला मेरे, क्योंकि वो मैं नया नया जरा शिफ्ट हुआ था, तो पुराने जितने भी काम थे मैं छोड़ चुका था, तो अब मैं जरा इस दीन की तरफ थोड़ा थोड़ा नया नया आ रहा था, तो इस वजह से बहुत मामला कहने ऊपर नीचे हो रहे थे। लेकिन ये था कि जी गुजारा हो रहा था अलहमदुल्ला, पर फिर भी वो मुश्किल मामला था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आस्ता आस्ता इसके ऊपर इस्तकामत अता फरमाई, तो अब ये हालात है अलहमदुल्ला कि हमारे पास आई गेस दराज के ऊपर ही जो हमारे यानी कि अगर वो इंटर्नशिप वाले और आप लोगों को भी, आप लोगों में से कुछ लोग जो करने वाले हैं, हमारे पास अलहमदुल्ला अच्छी खासी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। यानी कि एक आम बंदा वो नहीं सोच सकता कि एक कल का लौंडा इतनी बड़ी टीम रख सकता है, सिर्फ दराज के ऊपर है, अमेजोन बाकी चीजें अलग हैं, ये सिर्फ अल्लाह ताला ने दीन की बरकतों से अता किया है। लेकिन हम हमारे माशरे में बेसिकली माजत के साथ हमारा जो हर चीज ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना, हमारा एजुकेशन भी ऐसी है और रहन सहन भी ऐसा है, घरों का निजाम भी ऐसा है कि हमें ये चीज सिखाई नहीं जाती, और फिर अल्टीमेटली हमारे जहन में वो ही आता है कि बस कैसे हम क्या करें, क्या किस चीज को लेते हैं। अच्छा यार इंस्पिरेशन तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला की ये बरकत ही है, मैं नहीं समझता कि वो कोई मेरी कोई बहुत ज्यादा तो इंस्पिरेशन थी है जो मैं इस तरफ मूव हो गया। लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं जब हम किसी को दीन के लिए चुन लेते हैं तो हम उसका सीना खोल देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस वो अल्लाह ताला ने एक छोटा सा फैक्टर रखा हुआ था, मोहब्बत हर इंसान के दिल में, देखें आप भी हैं मैं भी हूँ माशाल्लाह, हमारे दिल में इक्वल मोहब्बत है दीन के लिए, लेकिन बस वो है कि हम जरा डी ट्रैक हुए हैं ना, मसला ये है। तो बस वो मेरे हजर ने मेरे ऊपर बड़े मेरे शेख हैं हजरत शेख नामुल मौज नामुल बरकात, वो मेरे स्पिरिचुअल टीचर हैं, उन्होंने मेरे को बहुत मेहनत की, अभी भी मैं उनका बहुत टाइम लेता हूँ, उनकी बहुत बरकतें हैं ये कि जो ये अल्लाह ताला ने कुछ जो हुलिया बना दिया आज उनकी वजह से ही है। अच्छा एक
और चीज है, दीन इस्लाम के अंदर जो है ना, जो गिवन एथिक्स है ना, हमें वो फॉलो करना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक चीज है, आपको पता है वो हराम है, कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं वो अल्लाह ताला ने हराम फरमाई है खाने को। लेकिन आप देखें ना, अगर मिसाल के तौर पे मैं मिसाल लेता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने दो चीजें हराम फरमाई हैं, तो 8 चीजें अल्लाह ताला ने हलाल भी फरमाई है, यार ये 8 चीजें खाओ आप, लेकिन सिर्फ दो ना खाओ, तो हम माजर के साथ आजकल जो हमारा हाल है ना, और लेकिन वो बहुत दर्द के साथ ये बातें मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ सुनाने के लिए बातें नहीं कर रहा, जो मैं आपको लग रहा हूँ कि मैं बहुत मौलवी टाइप बन रहा हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ भाई, मैं दुनियादार बन रहा हूँ, सारी मेरे दुनिया वाले काम है, आपके सामने ई कॉमर्स का कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने यहाँ पर इज्जत बख्शी हुई है, यूनिवर्सिटी के अंदर अल्लाह ताला ने वहां पर भी 4 चांद लगाए हुए हैं, और सारी चीजें हैं, मेरा कोई किसी मदरसे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और मुझे अफसोस होता है कि मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं कोई फख्र से नहीं बता रहा कि मेरा ताल्लुक नहीं है, होना चाहिए था मेरा, तो मैं तो ये मानता हूँ। तो ये चीजें हैं, वो फॉलो पाथ कर लें जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, लेकिन हम नहीं कर रहे, और इसीलिए आज हम जिल्लत में हैं, इसीलिए तो ख्वार हैं। देखें वरना क्या, 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ फतह कर लिया था, और हम यहाँ पर 17 साल का बच्चा छंकना ही जा रहा होता है अभी, ये तो हमारे हालात है ना, तो ये वजह यही है कि हमें पता ही नहीं, ना घरों में तरबियत हमारी ऐसी होती है, ना बाहर होती, और खुद ऐसे में इंसान कहता है कि यार, एक मेरे जहन में भी चीज आती थी कि हम तो अल्लाह ताला से इतराज करेंगे कि कर सकते हैं ना, कि हमें तो बताया ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था कि गुनाह क्या होता है, दीन क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है। तो भाई उसका एक बुजुर्ग है हमारे, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, वो कहते भाई अगर आपको पता है ना कि रोटी किस तरह खानी है, आपको पता है वॉशरूम किस तरह जाना है, सारी चीजें आपको दुनिया की चीजें किस तरह करने का पता है, या आपको जब माँ के पेट में थे आपको तब नहीं पता था, या आपने दुनिया में आगे सीखी है, इसी तरह अल्लाह ताला ये फरमाएंगे कि तुम वो सारी चीजें सीख सकते हो, तो तुम्हें दीन का भी पता होना चाहिए, तुम्हें वो सारी चीजें भी सीखनी चाहिए थी, और दराज के अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं जो कि गलत है, अब आपको वो भी सीखनी चाहिए, गलत के अच्छाई तो सीखेंगे, लेकिन पहले गलतियों का पता होगा, फिर अच्छाई की तरफ जाएंगे ना। एक और बहुत बड़ी चीज है कि दुनिया के अंदर हम मिसाल के तौर पर फ्रीलांसिंग की बात कर लें, मैं अपनी बात करूँ इस टाइम मेरे कोई अराउंड अबाउट को 15-20 घंटे तो मेरे बड़े आराम से लगते हैं मेरे, लेकिन ये है कि इन 15-20 घंटे मेरे लगते हैं, तो मैं खुद से सवाल करता हूँ कि मेरे अल्लाह ताला के लिए कितना लगता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला नमाज पढ़ने की तौफीक दे देते हैं, और देखें आप दीन की जरूरियात पूरी करते रहे ना, बेसिक बेसिक चीजें पूरी करते रहे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमा देंगे, लेकिन ये है कि मैं खुद से ही सवाल करूँ तो मेरी बहुत सारी चीजें अपर नीचे हो जाती हैं, मेरी दीन के लिए कितनी एफर्ट्स है। हम कहते हैं कि ये आगे जो तीसरा पॉइंट है कि व्हाई ओनली दुनिया एफर्ट्स, ये सिर्फ दुनिया के एफर्ट्स क्यों है, हम बहुत इन चीजों को पैरेलल लेके क्यों नहीं चल रहे, दीन को और दुनिया को पैरेलल लेके क्यों नहीं चल रहे। मेरे बहुत से जानने वाले, अल्लाह ताला ने बस इस कोशिश में मुझे भी लगाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि इस कोशिश में मैं हूँ नहीं हूँ ऐसा, लेकिन अल्लाह मुझे बना दे ऐसा, लेकिन मैं कोशिश में हूँ एटलीस्ट। मेरे बहुत से जानने वाले ऐसे हैं जो कि माशाल्लाह दुनिया और दीन को बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं, मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह हसन ताहिर साहब, दरवास के बड़े अच्छे माशाल्लाह काम करने वाले हैं, आज मेरे अमेजोन के मैनेजमेंट के हेड हैं वो माशाल्लाह होलसेल के अंदर, तो वो माशाल्लाह आलमे दीन है और अमेजोन के दराज पे काम कर रहे हैं, ग्रुप में भी उनकी पोस्टें आती हैं इसी के ग्रुप में, बड़े अच्छे माशाल्लाह इंसान है, आलमे दीन है और दुनिया का काम करें, ये थोड़ा है कि आप मौलवी बन गया तो आपने बस अल्लाह तौबा ही करने और मस्जिद मिल जाएंगे, नहीं भाई, अच्छी चीज है, उसका कोई मुकाबला नहीं, उसका दर्जा अपनी जगह है, लेकिन हमने बहुत गलत चीजों को लिया हुआ है, दोनों चीजों को पैरेलल लेके चले, जो दीन इस्लाम में चीजें सिखाई है उसके ऊपर अमल करे बंदा, तो इंशाल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर होगी और आखरत भी बेहतर होगी, ये तो नहीं है कि आप आखरत के चक्कर में दुनिया में बिल्कुल ही पिस जाए भाई, वो जिन लोगों ने जर्फ किया है ना, जिन लोगों ने वो फकीरी की जिंदगी गुजारी, उनके बहुत बड़े जर्फ थे, मेरा और आपका वो जर्फ नहीं है, तो हमें तो दोनों चीजें चाहिए। तो अशरफ थानवी रहमतुल्लाह गुजरे हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि भाई इस दौर के अंदर अगर आपकी जेब में पैसे नहीं ना होंगे तो आपका दिल ही मुतमिन नहीं होगा, हम दीन का जितना मर्जी नाम लेते रहे तो जब तक हमारी जेब ही गर्म नहीं होगी हम तो वैसे ही बेचैन रहेंगे, तो पैसे तो एटलीस्ट होने चाहिए ना। खैर ये थी थोड़ी सी बातें, अब हम दराज की तरफ आते हैं। देखें दराज का पोटेंशियल या स्कोप कितना है, बहुत कॉमन सा सवाल है, हर बंदे के जहन में आता होगा, जिस अगर आप काम कर रहे हैं तो जब आप बताते होंगे मैं ये काम कर रहा हूँ तो लोग भी पूछते हैं क्या स्कोप है क्या चीज है। स्कोप मैं बताता हूँ, स्कोप की डेफिनेशन जो मेरी नजर में है, स्कोप हर चीज का होता है, हर जगह हर
जगह एक स्पेस बाकी होती है हर जगह। मिसाल के तौर पर एक कमरा बन रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ जगह पड़ी होगी, जो वेली जगह होगी, फ्री जगह पड़ी होगी आपके लिए। मतलब फर्क ये है कि आप सिर्फ जो काम की बात है स्कोप के अंदर, कि आप उस जगह को ऑक्यूपाई कर सकते हैं कि नहीं, आप उस जगह के अंदर अपनी जगह बना सकते हैं कि नहीं, ये स्कोप होता है। स्कोप हर चीज के अंदर है, बस आपके अंदर कितनी एफर्ट्स लगाते हैं उस चीज के अंदर कि आप वहां पर स्टैंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये असल चीज जो मैटर ऑफ फैक्ट ये है। हाँ, अगर आप माजर के साथ अगर आप फेल होते हैं ना इस काम को ना करने में, कहीं ना कहीं सोच के बैठेगा, अब आपकी खुद की ही गलती होगी, किसी की कोई गलती नहीं होगी। मैं इस चीज को थोड़ा जल्दी से सम अप करता हूँ, दोबारा फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आएंगे हम। इसमें एक बहुत और अहम सवाल है कि अपना स्टोर लॉन्च करें ये कोर्स करने के बाद, या फिर एज अ VA सर्विसेज बेचें, क्या करना चाहिए, क्या बेहतर है? एक शॉपिफाई के ना बहुत बहुत बड़े कह लें कि ट्रेनर हैं, बहुत बड़े वो गुरु हैं, वो कहते हैं कि आप या तो प्रोडक्ट बेच के 100 रुपीज कमा लें, 100 के अंदर पैसे कमा लें, या फिर आप सर्विस बेच के हजारों के अंदर पैसे कमा लें। दोनों चीजें मुमकिन है, आप प्रोडक्ट बेच के भी हजारों में कमा सकते हैं, आप सर्विस बेच के भी हजारों में कमा सकते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि आप प्रोडक्ट बेच के हजारों में कमा लें और आप सर्विस बेच के 100 के अंदर कमाएं, लेकिन दोनों ही मुख्तलिफ है जब तक आप कितनी एफर्ट करते हैं दोनों चीजों के अंदर। मैं कहता हूँ फॉर श्योर आपको अपना करना चाहिए, डू योर ऑन फॉर श्योर इफ यू कैन अफोर्ड इट। अगर आप कर सकते हैं, अगर आप अपना करना चाहते हैं तो फॉर श्योर, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपना करें, कोई मसला नहीं, लेकिन सीख लेना पहले। ऐसे ना करें कि धड़ल्ले से ना घुस जाए, अपने पैसे भी लगाए और बस लगा के डर जाए। करें, अपना भी जरूर करें, लेकिन सीखें पहले। तो ये अपना स्टोर और एक्टेजल भी है, इसको आप जरा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कोई छोटी चीज नहीं है। एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत रियल होनी चाहिए। ये मीटिंग खत्म होने वाली है, इस चीज को मैं जरा जल्दी से सम अप करता हूँ, बाद में हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरे हजरत फरमाते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हार्ड, उम्मीदें इंसान को हमेशा जलील ही करती हैं। तो टाइम को यूटिलाइज करना सीखें, और टास्क जो आज का वो है कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग, जो प्रोडक्ट है ना, आइडिया जनरेट करने के, एक प्रोडक्ट को कैसे हंट किया जाए, और उसके ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, जो वीडियो लोग बाद में देखेंगे, वरना जो लोग इस मीटिंग के अंदर हैं उनके लिए दोबारा हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं।